हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत प्रदेश में प्रत्येक घर में मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन बांटने का लक्ष्य रखा गया है एवं 2 साल बाद प्रदेश में कोई भी घर बिना रसोई गैस के नहीं रहेगा। ये सब विधायक अर्जुन ठाकुर ने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह ज्वाली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहे। इस दौरान उन्होंने ज्वाली, नगरोटा, सूर्या, कोटला बेल्ट के 462 कनेक्शनों में से 327 कनेक्शन गृहिणियों को योजना के तहत गैस एजेंसी ज्वाली के माध्यम से मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन बांटे। की आचार संहिता लगने वाली है, उसमें बांटी नहीं जा सकती गैस। चुनाव होने वाला है 2019 में, मई में चुनाव होगा, तो मैंने राठौर जी को कहा चुनाव आचार संहिता 5 को भी लग सकती है, 6 को भी लग सकती है, 7 को भी लग, इसका क्या पता कब लग जाए। इसलिए ज्वाली विधानसभा क्षेत्र का 500 का 500 कनेक्शन ही बंट जाना चाहिए। तो आज मुझे बड़ा हर्ष है। मैं एक ध्यान में ये भी नारा देना चाहता हूं, मैं राठौर जी आपका धन्यवाद करता हूं, जो हमारी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है उसके तहत हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा कनेक्शन हमारी विधानसभा क्षेत्र ज्वाली को मिले। 5341 बहनों को हिमाचल प्रदेश में पहले नंबर पर प्रधानमंत्री की योजना के तहत गैस मिली। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं राठौर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जितने जोर शोर से आज भी मेरे ख्याल में 330 बहनों को गैस कनेक्शन दिए जाएंगे, 330। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। बहनों में ये भी कहना चाहता हूं कि ये जो आज आपको मुफ्त गैस मिल रही है, ये आपकी देन है, ये आपकी ताकत है। आपने इस प्रदेश में ऐसे व्यक्ति को देश का, अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जो सबसे गरीब परिवार से, सबसे गरीब परिवार से। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये निर्णय किया है कि मैं 2 वर्ष में कोई परिवार ऐसा नहीं रहने दूंगा हिमाचल प्रदेश में जिनके पास गैस और चूल्हा ना। इसलिए आप सबको कहना चाहता हूं कि आज आप भाग्यशाली है, जल्दी जल्दी आपकी आचार संहिता थोड़ी लेट हो गई, वो लगनी थी, शायद 10 को लगेगी। अब हम मुझे ही बोल रहे थे रास्ते में आते आते शायद सर 10 को लगे। तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं और मेरी आपसे निवेदन है कि देखिए इसमें कांग्रेस की कोई देर नहीं है। कांग्रेस वाले तो उल्टा आपको बहकाते हैं, ये कहां देंगे आपको गैस। मैं एक यही बोल देना चाहता हूं, प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है किसी मुख्यमंत्री ने बिना किसी पार्टी के, आज आई है इतनी मेरी बहनें आई है, मुझे क्या पता कौन कांग्रेस की कौन बीजेपी। मैं MLA हूं जहां का, मेरे लिए तो आप सब मेरी बहने हैं, मेरी मतदाता है और आपकी वजह से मैं MLA बना हूं। इसलिए और हमारे मुख्यमंत्री का दिल देखिए कि कोई बीजेपी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, हिमाचल प्रदेश की हर बहन को मुफ्त में गैस का कनेक्शन मिलना चाहिए। तो आप आई है, आप सबको बधाई। मैं आपके हिमाचल एक्सप्रेस के लिए ज्वाली से संजीव राणा की रिपोर्ट।